नगर निगम की तरफ से बनाए गए 140 लोगों की क्षमता वाले रैन बसेरे का मेयर विनोद चमोली ने उद्घाटन किया। ये पहला रैन बसेरा है जो पटेल नगर इलाके में लाल पुल के नजदीक बनाया गया है। इसकी क्षमता 100 से भी ज्यादा लोगों को शरण देने की है और इसके अलावा इसमें कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव के साथ ही मुफ्त रजाई गद्दे और शौचालय की सुविधा भी दी गई है। मेयर विनोद चमोली के मुताबिक बढ़ती ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोने वाले गरीब लोगों के लिए ये रैन बसेरा बनाया गया है। कि बहुत बेहतरीन रैन बसेरा यहाँ पर बना है और सारी सुविधाएं इसमें मुहैया हम लोगों ने कराई हैं। अब सर्दियाँ चल रही हैं, इस समय आवश्यकता भी रहती है और जो मैं देख रहा हूँ इसकी कैपेसिटी कम से कम 100 से ऊपर लोगों को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और क्षेत्र को भी इसका लाभ मिला है क्योंकि क्षेत्र में साफ सफाई भी हो गई इसी बहाने, तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने सहजदार रोड पर जो चूना भट्टा है वहाँ पर भी एक रैन बसेरा बनाया है और दो रैन बसेरे नगर निगम के यहाँ पर बन गए हैं और अच्छे रैन बसेरे बने हैं।